हूँ आपको क्रेजी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चितौ पिठा। ये ओडिशा का एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट में बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, इससे आपको मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और इससे पहले हम देख लेते हैं ये बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। ये है एक कप राइस, इसे मैंने भिगा के रखा हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी राइस यूज कर सकते हैं, जैसे इडली या डोसा के लिए जो राइस होता है वो, या फिर बासमती राइस, या फिर हम जो रेगुलर घर पे यूज़ करते हैं वो राइस, लेकिन बॉयल्ड राइस नहीं होना चाहिए। इसे मैंने 5 से 6 घंटा भिगा के रखा हुआ है। यह है एक मीडियम साइज़ के कोकोनट, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो कोकोनट की क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हैं, इसके बदले में आप थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा दूध भी यूज़ कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें ये जो चावल है इसको डाल देते हैं। अब ये कोकोनट डाल लेते हैं, हमें सारे कोकोनट डालना है। अगर आपको पिठा में स्टफिंग चाहिए तो आप थोड़ा सा कोकोनट साइड में रख सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा दूध या फिर थोड़ा सा पानी देके एक फाइन पेस्ट बना लेना है। दूध या पानी हमें डायरेक्ट नहीं देना है, कोकोनट हमारा फ्रेश है तो हमें इसे पहले इसे ही ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा दूध या फिर पानी देके इसको एक फाइन पेस्ट बना लेना है। ये कोकोनट और राइस का मैंने एक फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। ये बैटर कितना स्मूथ है आप देख सकते हैं। इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने 1 ग्लास दूध लिया था और इसमें से 1/2 ग्लास से थोड़ा सा कम दूध भिजवा है। ये बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। अभी ये बैटर को एक बाउल पर निकाल लेते हैं। ये बैटर को हमें डोसा बैटर से थोड़ा सा थिक बनाना है। ये भी बहुत ठीक है। अभी इसमें हम थोड़ा दूध और डालेंगे, एक साथ ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और देखना है कि ये बैटर सही है कि नहीं। थोड़ा सा ठीक है, और थोड़ा सा दूध डालते हैं। अभी ये बैटर बन के रेडी हो गया है और इसके ये एकदम पतला नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा ठीक है। अभी इसमें नमक डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोकोनट यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं शुगर अवॉइड कर रही हूँ। अभी ये बैटर बन के रेडी है। अभी हमें इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट होने देते हैं, उसके बाद फिर हम इसका पीठा बनाते हैं। 2 घंटे हो गया है, मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन गर्म होने रख दिया है। पैन हमारा अच्छा गर्म है। अभी हम इसमें थोड़ा सा घी ब्रश कर लेते हैं। एक बार बैटर ऐसे लेंगे और इसको अच्छे से ऐसे फैला लेंगे चारों तरफ से। साइड से हमें पतला रखना है और बीच में से मोटा रखना है। सेकेंड बार जब बैटर लेंगे हमें इसे बीच में ही रखना है, साइड की तरफ नहीं लेना है, जिससे हमारा बीच में थोड़ा मोटा रहेगा और साइड में थोड़ा पतला रहेगा। इसे हमें ढक के 5 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। गैस के फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे। जितने बार हम बैटर को पैन पे फैलाएंगे उतने बार हमें अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेना है, नहीं तो बैटर जो है वो नीचे से थिक हो जाता है, ऊपर पानी पानी रह जाता है। ये पीठा बन के तैयार है। आप चाहे तो ये पीठा के ऊपर थोड़ा सा स्टफिंग भी डाल सकते हैं, जैसे नारियल और शुगर या फिर जागरी को मिला के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालिए, और सेम प्रोसेस में जैसे हम बनाए थे पिठा वैसे बनाना है। इसे हमें बाकी के पिठा के बना के तैयार कर लिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।